टेबल ऑफ कंटेंट्स टेबल ऑफ कंटेंट्स में इसमें इसको शॉर्ट फॉर्म में भी हम जानते हैं, जिसको हम कह रहे हैं टीओसी बोलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट को। इसके अंदर की इंफॉर्मेशन आता है जो कि यूजफुल इंफॉर्मेशन है। पहला यूज इंफॉर्मेशन को हम ए में बोल रहे हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है? तो ड्रॉप डाउन प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ योर डॉक्यूमेंट। By adding a table of content ड्रॉप डाउन कंटेंट्स द कमांड एम्बेड्स बिल्ट इन का मतलब क्या होता है कि पहले से एग्जिस्टिंग ऑप्शन होते हैं। बिल्ट इन इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड सेव सिलेक्शन टू टेबल ऑफ कंटेंट्स गैलरी। पहला इंफॉर्मेशन क्या होता है कि टेबल ऑफ कंटेंट जब भी हमें इंसर्ट करना होगा तो इस ऑप्शन को फॉलो करना होगा। कैसे फॉलो करेंगे? फॉलो करने के लिए स्टेप्स होगा। सबसे पहले रेफरेंस टैब में जाएंगे, गो टू रेफरेंस टैब, देन नेक्स्ट क्लिक टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप, देन फर्दर क्लिक करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, नॉर्मल स्टेप है कि सबसे पहले हम रेफरेंस टैब पे आएंगे, फिर उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स पे फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या आएगा? इंसर्ट करने के लिए। क्या इंसर्ट करना है? इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स।
इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट, दैट इज इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब जो आपका इंसर्ट करना चाहते हैं, किस तरह से आप चाहते हैं इंसर्ट करना टेबल, वो हम इंसर्ट करते हैं। ड्रॉप डाउन का मतलब क्या होता है कि गैलरी पहले से ये स्टोर होता है, उस गैलरी से जो भी आपको इंसर्ट करना होगा जिस तरह से आपको चाहिए वो हम इंसर्टेड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट डीओसी के अंदर दूसरा इंफॉर्मेशन आता है, इसको हम बी के नाम से जानते हैं। बी में इंफॉर्मेशन आएगा ऐड टेक्स्ट, टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं, इसके लिए इंफॉर्मेशन होगा ऐड टेक्स्ट। ड्रॉप डाउन या अदर ड्रॉप डाउन कंटेन्स द कमांड do not show the show in table of contents contents that is level 1. Next होता है level 2 और next table होता है हमारा last table and level 3. ऐड टू टेक्स्ट को फॉलो करने के लिए स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले गो टू रेफरेंस टैब, देन सेलेक्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया टीओसी, देन टेक्स्ट को ऐड कर रहे हैं, यू नाउ क्लिक ऐड टेक्स्ट, ये स्टेप। नेक्स्ट तीसरा है, तीसरा हमारा ऑप्शन आएगा टीओसी के अंदर, ऑप्शन आता है अपडेट टेबल का, अपडेट टेबल। अपडेट टेबल्स में जैसे तीन लेवल है उसमें चौथा लेवल और ऐड करना है तो हम अपडेट टेबल्स के थ्रू ऐड कर सकते हैं। अपडेट्स द टेबल ऑफ कंटेंट्स सो दैट ऑल द एंट्रीज refers to the correct page number. कोई पेजेस हम डिलीट कर देंगे तो उसके पेजेस डिलीट करेंगे तो उसके क्या होंगे, पेजेस नंबर क्या होंगे, कुछ नया और बनेंगे
तो वो हम कहां से क्रिएट कर सकते हैं, यूजिंग अपडेट टेबल्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन को फॉलो करने के लिए स्टेप हम फॉलो करेंगे, गो टू रेफरेंस टैब, देन क्लिक करेंगे टीओसी, देन क्लिक करेंगे अपडेट टेबल। टीओसी समझ में आया सबको क्या होता है? हेलो, नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसके अंदर, टीओसी के बाद ऑप्शन आएगा फुटनोट्स। फुटनोट्स के बारे में पता है सबको क्या होता है? बताइए, फुट नोट और एंड नोट में क्या डिफरेंस है? पता है फुट नोट और एंड नोट में क्या फर्क है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है? फुटनोट क्या होता है? इंसर्ट अ फुटनोट एट द करेंट पोजीशन होता है। फुटनोट जो होगा वो हमेशा क्या होता है, करेंट पोजीशन पे आपका शो करता है। लेकिन एंड नोट हमेशा क्या होता है, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट आएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट लास्ट पैराग्राफ पे जहां भी खत्म होगा वहां बिल्कुल लास्ट के पेज पे शो करता है एंड नोट। दोनों जो है नोट्स के लिए यूज किया जाता है, यानी रेफरेंसेस वर्ड को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। जैसे उसमें आपने बुक्स में देखा होगा, जैसे कुछ इसके कुछ वर्ड जैसे टफ वर्ड आते हैं, उसको मीनिंग्स यूजर को पता नहीं होता है, तो उसको रेफरेंस करने के लिए क्या होते हैं, फुटनोट और एंड नोट का इस्तेमाल किया जाता है। फुटनोट क्या होगा, जिस डॉक्यूमेंट पे उसी पेज पे सेम पेज पे रहेंगे, लेकिन एंड नोट क्या होगा, बिल्कुल लास्ट ऑफ पेज पे आएगा। जैसे 10 पेजेस हैं, आप इंसर्ट करेंगे तो 10वें पेज पे वो शो करेगा। ठीक है, फुटनोट, फुटनोट के अंदर 3-4 इंफॉर्मेशन आता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं इंसर्ट फुटनोट, जिसके लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे अल्ट कंट्रोल प्लस F। ठीक है, इंसर्ट एंड नोट की नेक्स्ट ऑप्शन आता है, जिसके लिए शॉर्टकट की यूज करेंगे अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस D। ठीक है, और नेक्स्ट तीसरा इंफॉर्मेशन होता है नेक्स्ट फुटनोट, यानी कि दूसरा आपको फुटनोट, दूसरा फुटनोट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या क्लिक करेंगे, नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करते हैं। और चौथा इंफॉर्मेशन होता है हमारा फुटनोट के अंदर शो नोट्स। शो नोट्स में क्या होता है कि रेफरेंस वर्ड से आपने क्या उससे रिलेटेड वर्ड आपने इंफॉर्मेशन दिया है उसको देखने के लिए, तो शो नोट्स में आपने अगर दोनों चीजें आपने दे रखा होगा, फुटनोट भी इंसर्ट कर रखा है और एंड नोट भी इंसर्ट कर रखा है, तो वो आपसे पूछेगा कि क्या देखना चाहते हैं, कौन से रेफरेंस वर्ड को देखना है, तो आपको वहाँ पे एक रेडियो बटन का ऑप्शन आएगा, फुटनोट देखना है तो रेडियो बटन फुटनोट पे क्लिक करेंगे, या एंड नोट का देखना है इन्फॉर्मेशन तो उसके रेडियो बटन पे क्लिक करना है, एंड नोट के रेडियो बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारा शो करता है, उसका कमांड का नाम होगा शो नोट्स के थ्रू।
के इसके बारे में लिख लेगा। डिफरेंस टैग के अंदर ग्रुप्स का नाम होगा फुटनोट। फुटनोट्स, फुटनोट्स के अंदर सबसे पहला इंफॉर्मेशन होगा ए भी कर दे रहे हैं इंसर्ट फुटनोट। इंसर्ट फुटनोट को हमें इंसर्ट करना होगा, या तो आप ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकते हैं, अदरवाइज आप शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं। यू क्लिक अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस फुटनोट के लिए क्या होगा एफ होगा, एफ फुटनोट्स के लिए शॉर्ट फॉर्म भी आप याद कर सकते हैं, इसका फर्स्ट वर्ड लिया गया है फुटनोट का अल्ट कंट्रोल एफ। Insert a footnotes footnote at the current position at the current position footnotes are automatically renumbered renumbered as you move डॉक्यूमेंटेशन का, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेजेस है हमारा, पेजेस के हमारे पैराग्राफ फाइल है, मल्टीपल पैराग्राफ है, जैसे ये पैराग्राफ लिख रखा है, दूसरा पैराग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये दो तीन लाइन का ये पैराग्राफ। अब जैसे कोई यहाँ पे एक वर्ड आ गया, जैसे वाल आ गया है कोई भी वर्ड, अब इससे हमें रेफरेंस करना, तो रेफरेंस यहाँ नंबर वन आ जाएगा और एंड ऑफ डॉक्यूमेंट
इससे जो भी आपको इंफॉर्मेशन देना है यहाँ पे वन के बाद जो भी आप लिखना चाहते हैं इसी पेज पे शो करेगा, जो भी रिलेटेड आपका वर्ड यहाँ देना है। दिस इज अ फुट नोट। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आता है दूसरे नंबर पे, फुट नोट के बाद एंड नोट करते हैं। एंड नोट, इंसर्ट एंड नोट, शॉर्टकट के एंड हो रहा है तो इसके लिए एंड के लिए बेसिकली ई नहीं दिया गया, डी दिया गया एंड। इसके शॉर्टकट की हम प्रेस करेंगे अल्ट कंट्रोल प्लस डी। इंसर्ट एंड एंड नोट एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट इन नोट्स आर ऑलवेज प्लेस्ड एट द End of the document. तो स्टेप फॉलो करने के लिए स्टेप होगा गो टू रेफरेंस टैब, देन क्लिक ऑन फुटनोट्स, देन फर्दर क्लिक ऑन कमांड इंसर्ट एंड नोट्स। इंसर्ट एंड नोट का तरीका कैसे होगा वो हम डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं। जैसे हमारे ये डॉक्यूमेंटेशन का एक पेज क्रिएट किया हमने, पेज फर्स्ट पेज है और ये क्या हमारा दूसरा पेज है। फर्स्ट पेज पे जैसे पेज वन पेज टू, अब इस पे हम कोई भी पैराग्राफ टाइप कर लिया, मल्टीपल पैराग्राफ्स लिख सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ एंड हो गया, सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये हमारा मार्जिन एरिया होगा। नेक्स्ट पेज पे फिर से हमारा कोई डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे ये फर्स्ट पेज का पैराग्राफ है, दूसरे पेज का ये पैराग्राफ है। अब इस पेज पे हम चाहते हैं कि क्या इंसर्ट करें, जैसे कोई यहाँ पे एक वर्ड हमारा आया, जैसे वर्ड में क्या आ गया मेल का कोई एक वर्ड आया मेल। अब मेल वर्ड से हम चाहते हैं कि क्या इंसर्ट करें तो फुटनोट सॉरी एंडनोट इंसर्ट करें, तो मेल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे आएगा, रोमन नंबर में शो करता है, ये भी पहचान है, एंडनोट की पहचान
रोमन नंबर भी शो करेगा, वैसे नॉर्मल नंबर भी शो करता है, 1 2 3, ठीक है। और ये रोमन नंबर जैसे 1 2 3, ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये इंडिकेशन क्या करता है, एंड एंड नोड्स के इंडिकेशन, इससे भी पहचान सकते हैं। और ये हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, फुट नोट्स। तो मेल से रिलेटेड अब जो भी इंफॉर्मेशन देना है यहाँ पे आएगा। सेकंड आपको जैसे कोई एक और यहाँ दूसरे पेज पर कोई एक वर्ड दे रहे, जैसे यहाँ पे वर्ड आया आपका डॉग, तो डॉग से रिलेटेड अभी इंफॉर्मेशन यहाँ देना चाहेंगे, यहाँ भी खुद आ जाएगा नंबर टू, और जो भी रिलेटेड वर्ड देना यहाँ पे आएगा। लेकिन अगर आपको फुटनोट अगर इंसर्ट करना होगा, अब जैसे इस पेज पे है, इस पेज पे हमारा क्या आ गया, स्टार्टिंग में कोई एक वर्ड आया रिप्लेस, रिप्लेस एक वर्ड है यहाँ पे, तो रिप्लेस से रिलेटेड हमें क्या इंसर्ट करना है, इसी पेज पे वन पे इंडिकेटेड है, यानी कि फुटनोट जो होता है वो हमारा करंट पेज पे ही, करंट पेज की इंफॉर्मेशन पे ही शो करेगा। अब जैसे अगर आपको यहाँ पे ये लेना है डॉक्स से रिलेटेड के बाद कोई वर्ड आया रेफरेंस, रेफरेंस को एक वर्ड है, रेफरेंस से रिलेटेड इस मतलब पेज ऑफ एंड ऑफ पेज की आपका शो करेगा इंफॉर्मेशन। यहाँ वन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा टू। फुटनोट शो करता है करेंट पोजीशन पे, और एंडनोट शो करता है एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, इसीलिए लास्ट लाइन पे लिखा है हमने कि प्लेस्ड एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, ये याद है। नेक्स्ट आता है तीसरा इंफॉर्मेशन है, बटन विद ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन द बटन मूव्स The drop down provides the command the command next footnote, previous footnote, next end note,
एंड प्रीवियस सीड नोड। इसके लिए स्टेप फॉलो करेंगे, गो टू इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन फुटनोट ग्रुप्स, एंड शो द नोट्स, यू क्लिक ऑन नेक्स्ट फुटनोट। नेक्स्ट फुट नोट्स के अंदर चौथा कमांड होता है जो कि हम कहते हैं शो नोट्स, शो नोट्स। शो वेयर फुट नोट्स, वेयर फुट नोट आर एंड एंड नोट्स आर लोकेटेड। इसको स्टेप फॉलो करने के स्टेप से गो टू इंसर्ट टैब, फुटनोट्स, ग्रुप्स, देन शो नोट्स। शो नोट्स में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन आप क्या देखना चाहते हो, इसके लिए टॉप में इंफॉर्मेशन आएगा, डायलॉग बॉक्स पर क्या आता है शो नोट्स। शो नोट्स में रेडियो बटन आएगा, यू वांट टू शो विच नोट्स, फुट नोट्स या एंड नोट्स। एट दैट टाइम क्या होगा, एक ही पे क्लिक करेंगे। रेडियो बटन का मतलब क्या होता है, एक बार में एक ही सिलेक्ट होगा। तो हमें फुट नोट्स की एरिया में जाके देखना है कि क्या नोट्स डाला, इस पे क्लिक किया, फुट नोट्स का सेक्शन में जो भी हमने नोट्स इंसर्ट किया होगा वो शो कर देगा। समझ में आया सबको क्या होता है? हेलो, क्या होता है बताइए कुछ। फुटनोट्स और एंड नोट्स में क्या डिफरेंस समझ पाया? नोट्स में क्या डाला वो इंफॉर्मेशन को देखना हो तो नोट्स में जाएंगे, वहां पर ऑप्शन दिए होंगे और फुट नोट्स का एंड नोट्स से के रेड बटन पे क्लिक करके देखना होगा, वहां पर वहां पे देख। इंसर्ट फुट नोट की शॉर्टकट की क्या है? Shift कहाँ बताया मैंने? Shift नहीं होता है। Next फुट नोट जैसे मैंने
ऑप्शन बताया, तो प्रीवियस फुट नोट पे जाना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? उसमें तो कोई कमांड दिया नहीं है। ऑप्शन नेक्स्ट फुट नोट, लेकिन अगर हमें प्रीवियस फुट नोट पे जाना हो तो कैसे करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी के अंदर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अपने लास्ट लाइन में लिखाया है आपको, जैसे अगर हमें फुट नोट नेक्स्ट फुट नोट करना है तो नेक्स्ट फुट नोट और प्रीवियस फुट नोट, उसी के साथ साथ लिखा था मैंने नेक्स्ट एंड नोट और प्रीवियस एंड नोट, सारे चारों ऑप्शन चारों कमांड को यहीं से फॉलो करेंगे। जैसे हमें आगे देखना है कि क्या इन्फॉर्मेशन डाला, पीछे जाकर देखना है कि क्या इन्फॉर्मेशन डाला, तो हम ऑप्शन यूज कर सकते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट के अंदर फुट नोट भी आएगा और एंड नोट के भी ऑप्शन आते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट कल करते हैं। इसी लिए रेफरेंस टैग भी बचा हुआ है, जैसे साइटेशन क्या होता है, कैप्शन क्या होता है, इंडेक्स क्या है, पता है साइटेशन क्या होता है? CITE साइट बोलते हैं उसको। हेलो, नहीं पता है? पता है, पढ़िए इसको थोड़ा सा, देखिए अपने बुक्स में भी दिया हुआ सारे। ठीक है, कल पढ़िए इसको, फिर हम आगे कल बताएंगे आपको। पढ़िए इस पर, पूछेंगे भी क्या होता है। बिब्लियोग्राफी होता है BIBLIOGRAPHY, ठीक है। ये ऑप्शन जो है, इस ग्रुप का नाम है, ये हमारा आएगा नेक्स्ट फुटनोट के बाद, ये ऑप्शन आता है। और इसका काम क्या होता है, In 2003 version, the mark situation citation dialog box was on was found on the table of authorities dialog box citations का काम ये होता है कि जैसे कोई आप information जैसे आप देना चाहते हैं, जैसे अपने book से related information, जिसमें information में क्या होता है, information में कई चीजें होता है, जैसे books के writer कौन है, बुक्स किस डेट में पब्लिश, किस ईयर में पब्लिश हुआ, ठीक है, कहाँ पब्लिश हुआ, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम इंफॉर्मेशन को अपनी बुक्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं यूजिंग साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के अंदर। इसके अंदर बेसिकली तीन ऑप्शन आते हैं, चार ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन का नाम है, इसको हम कहते हैं इंसर्ट साइटेशन, insert citation CITATION। अगर हमें बुक्स की इंफॉर्मेशन को अपने डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट करना होगा, वो हम ऑप्शन क्लिक करेंगे इंसर्ट साइटेशन के थ्रू। ड्रॉप डाउन कंटेंट्स
ड्रॉप डाउन कंटेंट्स द कमांड्स add new source add new place folder and search library इंसर्ट साइटेशन को अगर हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा इसके स्टेप होते हैं गो टू reference tab then click करेंगे groups का नाम होगा citation and bibliography then further click करना होगा अगर हमें इंसर्ट करना है तो इंसर्ट साइटेशन करेंगे इंसर्ट साइटेशन के अंदर आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं इंफॉर्मेशन में क्या स्टोर करेंगे आप तो सबसे पहले स्टोर करना है हमारा जैसे कि बुक्स लिख रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारा क्या होगा ऑथर्स के नेम आएंगे नेम ऑफ पब्लिशर होगा ऑथर्स नेम ईयर ऑफ पब्लिश पब्लिशर नेम इस तरह से ये इंफॉर्मेशन आप फिल कर सकते हैं ये इंफॉर्मेशन आपको डालना होगा तभी आपके पेजेस पे इंसर्ट होंगे इंसर्ट्स में इंसर्ट साइटेशन करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट पे इंफॉर्मेशन आ जाता है जो कि होता है किसी भी बुक्स के टेबल ऑफ कंटेंट के बाद ये ऑप्शन होता है इस पे इंफॉर्मेशन डाले जाते हैं जो कि हमारा क्या होता है कि हमारे इसमें इस ऑप्शन को अथर्स कौन अथर्स लिखा है बुक्स को अथर्स का नाम आता है किस डेट पे पब्लिश हुआ उसके पब्लिश के इयर्स आते हैं और कहाँ ये बुक पब्लिश हुआ है उस जगह का नाम आता है ये सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं हम साइटेशंस के अंदर सेकेंड ऑप्शन आता है इंसर्ट साइटेशंस के अंदर मैनेज सोर्स ये ऑप्शंस में आपके ऑप्शन आएंगे मैनेज मैनेज सोर्सेस cited in the active document
इन द एक्टिव डॉक्यूमेंट मैनेज में क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंट के जो इंफॉर्मेशन होता है, जैसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया ऑथर्स नेम, ईयर्स ऑफ पब्लिश, पब्लिश नेम, तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको इसको आप फर्स्ट में रख सकते हैं, सेकंड में रख सकते हैं, थर्ड में रख सकते हैं, जैसे आपको मैनेज करना हो। तो हम ऑर्डर में एक क्रिएट करेंगे जो हमारा कहाँ से कर सकते हैं आप, यूजिंग मैनेज सोर्स के जरिए। नेक्स्ट ऑप्शन होता है स्टाइल, साइटेशंस एंड बिबलियोग्राफी। बिबलियोग्राफी के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन होगा कमांड, हमारा ग्रुप होगा, सॉरी कमांड होगा जिसका नाम होगा स्टाइल। चूज द स्टाइल ऑफ साइटेशन, चूज द स्टाइल ऑफ साइटेशन citation to use use in the document ठीक है। manage source को follow करने के लिए steps हम बताए गए हैं, गो टू रेफरेंस टैब, साइटेशन एंड बिबलियोग्राफी एंड मैनेज सोर्स ठीक है। स्टाइल का काम क्या होता है कि जैसे स्टाइल्स में आप किसी चीज को आप चाहते हो कि इंफॉर्मेशन को हम शो नहीं करें अपने डॉक्यूमेंट पे, जैसे इंफॉर्मेशन को हाइड करके रखें, जैसे आपकी कोई नेम है, ऑथर्स का नाम है ए बी सी, बुक्स का ईयर्स का पब्लिकेशन हुआ 2002 में, और जैसे पब्लिश कहाँ हुआ, तो ऑथर्स पब्लिशर का नाम है फाइन आर्ट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन है, इसको हम बिबलियोग्राफी या साइटेशन कह रहे हैं। अब इस इंफॉर्मेशन में हम जैसे हम चाहते हैं कि ये ईयर्स हाइड हो जाए, तो ए बी सी फाइन आर्ट्स से शो करें, तो ये इंफॉर्मेशन को हम हाइड कर सकते हैं कहाँ के करेंगे, स्टाइल्स के अंदर ऑप्शन आता है, डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल्स होते हैं, इसमें आप जो रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसमें स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। इस ऑप्शन को फॉलो करने के लिए हम स्टेप फॉलो करेंगे, गो टू रेफरेंस टैब, देन क्लिक करेंगे साइटेशन एंड बिबलियोग्राफी, और नेक्स्ट फर्दर क्लिक करेंगे हम स्टाइल्स पे, स्टाइल्स है ठीक है। आप स्टाइल्स पे चेक करके देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल आते हैं, जैसे यूपीए करके आएगा स्टाइल, आप देखेंगे वहां पे मिलेंगे आपको, उसमें यूपीए पे जब क्लिक करेंगे कुछ डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन होता है हमारा, नेक्स्ट कमांड है, चौथे नंबर पे कमांड आपका आएगा सी के अंदर, इसको हम कह रहे हैं बिब्लियोग्राफी, स्पेल है बी आई बी एल आई ओ जी आर ए टी एच वाई, ये क्या है, इसके अंदर क्या है कि इनबिल्ट ऑप्शन है, बहुत सारे आपके उसके लिस्ट में बने होते हैं, आप उसको ड्रॉप डाउन करके ड्रॉप डाउन के अंदर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने पेज पे, और जो आपने बनाया है उसको हम सेव करके इसके अंदर भी रख सकते हैं। द ड्रॉप डाउन कंटेंट्स Drop-down contains
द कमांड्स कमांड्स इंसर्ट बिब्लियोग्राफी इंसर्ट बिब्लियोग्राफी एंड सेव सेक्शन to bibliography gallery. इस इंफॉर्मेशन को हमें फॉलो करना होगा. स्टेप फॉलो करेंगे, गो टू रेफरेंस टैब, देन क्लिक करेंगे साइटेशन एंड ग्राफी देन फर्दर क्लिक करेंगे बिब्लियोग्राफी. तो साइटेशन ऑफ बिब्लियोग्राफी क्या करता है, बुक्स के इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है. सच एज बोलिए समझ देखिए, एक बार साइटेशन बिब्लियोग्राफी, उसके बाद फिर बिब्लियोग्राफी. जी 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 जी, क्योंकि बिब्लियोग्राफी वो आप कमांड है ना हमारा, साइटेशन बिब्लियोग्राफी ग्रुप है. नेक्स्ट आता है साइटेशन के बाद का जो हमारा ग्रुप होगा, उस ग्रुप का नाम है कैप्शन. कैप्शन के बारे में जानते हैं क्या होता है कैप्शन? बिब्लियोग्राफी क्या होता है? बिब्लियोग्राफी क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है. इंफॉर्मेशन को स्टोर किस तरह का करता है? तो जैसे आप कोई भी ऐसे बुक्स लिखते हैं या बुक राइट करते हैं, तो बुक्स के इंफॉर्मेशन में जैसे बुक्स का नाम क्या है, उसको पब्लिश कहाँ किया गया, इसके बुक्स के राइटर का नाम क्या है, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन होता है. ये सारी इंफॉर्मेशन हम इस ऑप्शन पे जाकर के कर सकते हैं. समझ में आया? तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, बायोग्राफी भी कहते हैं, बिब्लियोग्राफी भी कहते हैं, साइटेशन भी कहते हैं. बुक्स के टेबल ऑफ कंटेंट की बात का कंटेंट होता है जिसको हम साइटेशन कहते हैं. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपका है इसके बाद कैप्शन का. स्पेल है CAPTIONS, कैप्शन बोलते हैं. रेफरेंस टैब के अंदर ऑप्शन आता है कैप्शन्स के अंदर. कैप्शन्स का बेसिकली यूजेस क्या है, तो किसी भी जैसे आप कोई भी जैसे पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं, मल्टीपल पिक्चर्स है, एक से ज़्यादा पिक्चर्स आपके जैसे डॉक्यूमेंट पे आपने इंसर्ट कर रखा है, अब सब पिक्चर्स का जाके आप क्या करें, उसका नाम लेबलिंग करें. लेबलिंग का मतलब क्या करें, तो पिक्चर्स का पर्टिकुलर्स नाम आप इंसर्ट करना चाहते हैं, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा कि नंबर आपका इंक्रीज करता रहे. उसके लिए क्या होता है, कैप्शन ऑप्शन दिया हुआ है. कैप्शन पे जाएंगे, पहले पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, कैप्शन पे जाएंगे और सिर्फ इंसर्ट करना होगा. तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि
पिक्चर्स के नीचे आपका उसका एक लेबलिंग क्रिएट हो जाएगा फिगर नंबर वन। दूसरा पिक्चर आप सेलेक्ट करेंगे फिगर नंबर टू, दिखने की जरूरत नहीं होता है, वो खुद ब खुद इन ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे कैप्शन के अंदर। कैप्शन के अंदर आप चाहते हैं कि जैसे फिगर डिफॉल्ट क्या आता है, फिगर आता है, आप चाहते हैं इमेज करें इमेज नंबर वन कर दें, वो आप चेंजेस कर सकते हैं, कस्टमाइज ऑप्शन होता है। इसके अंदर भी कई ऑप्शन होते हैं, इंसर्ट कैप्शन होता है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर होता है, अपडेट टेबल होता है, क्रॉस होता है, क्रॉस रेफरेंस इसमें बोलते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारा क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस भी होता है। तो कैप्शंस का बेसिकली यूज यही है कि किसी भी फिगर्स को के नीचे हम कोई भी जैसे कि फिगर्स का नंबर देना चाहेंगे, फिगर्स वन फिगर्स टू फिगर्स थ्री इस तरह से दे सकते हैं, या चाहे आप टेबल आपने मल्टीपल इंसर्ट कर रखा है अपने डॉक्यूमेंट पे, तो टेबल जैसे टेबल का लेबलिंग करना है टेबल वन टेबल टू टेबल थ्री, ये भी हम कैप्शंस के थ्रू कर सकते हैं। अगर हमें ऑप्शन पता नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम जब पर्टिकुलर एक टेबल के नीचे जा करके उसका नाम लिखेंगे, लेकिन नाम नहीं लिखना है, सिर्फ टेबल या पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा वहाँ पे लेबलिंग हो जाता है फिगर वन फिगर टू। इसके अंदर पर्टिकुलर में सबसे पहला ऑप्शन होता है, ऑप्शंस में जैसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट कैप्शंस का ऑप्शन ही आता है, अपने डॉक्यूमेंट पे हमें फिगर्स के नीचे हमें कैप्शन चाहिए तो हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे, इस कमांड को सिलेक्ट करते हैं इंसर्ट कैप्शन। Insert a caption below pictures or graphics to provide a short description, using insert caption which is use a short description के लिए use करते हैं। जैसे for example हम ऐसे यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके डॉक्यूमेंट पे कोई पिक्चर्स आए, तो ये हमारे पास क्या है इमेज है, इस तरह कोई इमेज है, इसकी लैबिंग करने नीचे में आपको खुद एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा और टेक्स्ट बॉक्स में बस क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिगर नंबर जैसे आपको लिखना है फिगर नंबर वन, ये इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे है फिगर नंबर टू, पिक्चर्स को सेलेक्ट करके ऑप्शन पे आके क्लिक करना इंसर्ट कैप्शन। इस स्टेप को फॉलो करने के स्टेप्स होंगे, सबसे पहले गो टू रेफरेंस टैब, रेफरेंस टैब पे आएंगे, देन फर्दर क्लिक करेंगे हम ग्रुप्स का नाम होगा हमारा कैप्शन, देन हम क्लिक करेंगे इंसर्ट कैप्शन। सेकंड इंफॉर्मेशन आता है इसके अंदर कैप्शंस के अंदर ही होगा, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर,
इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर किसी भी टेबल के नीचे भी आप टेबल की लिस्टिंग तैयार कर सकते हैं, टेबल वन टेबल टू कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन आपको क्लिक करना होगा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, एड अ लिस्ट ऑफ कैप्शंस ऑब्जेक्ट एंड देयर पेज नंबर। ठीक है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स से फायदा ये है कि कैप्शन को तो हम इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, पेज नंबर भी ये बता देता है। जैसे कैसे बताएगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि टेबल, जैसे टेबल नंबर वन है, हमने टेबल के वन का कोई लेबल कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का पेज नंबर हमारा वन है। अब इसके मल्टीपल पैराग्राफ हमने लिख रखा है, पैराग्राफ के नीचे एक हमने टेबल क्रिएट कर रखा है, कुछ भी डेटा इसके अंदर फील है, और इसकी लेबलिंग क्या किया है, तो टेबल टेबल नंबर वन का रखा है। ठीक है, अब इसकी इंफॉर्मेशन हमें जैसे स्टोर करना है कहीं पे भी, नेक्स्ट पेज पे करना है, लास्ट पेज पे करना है। कैप्शन विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, तो सबसे पहले हमारा जिस नाम से आपने इसको लेबल किया है टेबल नंबर वन की इंफॉर्मेशन आएगा। देन साथ ही साथ जैसे हम क्या चाहते हैं, इसको पेज नंबर भी हाईलाइट करेगा, किस पेज पे है ये, 01 पेज नंबर हमारे काम में 1 पे, ये भी इंफॉर्मेशन। इस स्टेप को फॉलो करने का तरीका होगा, गो टू रेफरेंस टैब, देन फर्दर क्लिक करेंगे कैप्शंस, कैप्शंस हमारा ग्रुप का नाम है, और ग्रुप के अंदर कमांड हम क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। सर टेबल ऑफ फिगर सर, सर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर figure के अंदर नेक्स्ट हमारा कमांड आता है, इसको करें अपडेट टेबल, तीसरा इंफॉर्मेशन आता है अपडेट टेबल का। अपडेट updates the table of figures to include all the entries in the document. Sir, कौन सा डिवाइस क्या बोले? All the entries in the document. Sir,
और द एंट्रीज ई एन टी आर आई ई एस एंट्रीज अपडेट टेबल में क्या होता है कि जैसे कोई पेज हमारा डिलीट हो गया तो जब पेज हमारा डिलीट हो जाएगा तो जैसे पेज नंबर अगर जैसे एक पेज को हम डिलीट कर देते हैं या इनकेस हमारे से गलती से अगर कोई डिलीट हो गया तो पेज नंबर भी क्या होगा टेबल टेबल नंबर का जो लाइब्रेरी क्या होगा वो क्या होगा चेंज हो जाएगा। अब जैसे पेज से कोई फिगर हमने 1 इंसर्ट कर रखा है दूसरे पेज को फिगर नंबर 2 वाले को डिलीट कर दिया तो एक के बाद दूसरा डिलीट हो गया तो 3 आएगा ना। तो हम चाहते हैं कि सबको फिर से अरेंज कर दें यानी कि पेज नंबर 1 और 2 वाला डिलीट है तो पेज नेक्स्ट तीसरे वाले पेज का पेज नंबर 2 हो जाए उसके लिए ऑप्शन हम क्लिक करेंगे अपडेट टेबल यहाँ से सबको ऑटोमेटिकली ये चेंज कर देगा एक ऑर्डर में अरेंज कर देता है। इसके लिए हम स्टेप फॉलो करेंगे गो टू डिफरेंस टैब देन कैप्शन देन अपडेट टेबल नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आता है चौथे नंबर में इसको हम कह रहे हैं क्रॉस रेफरेंस कर स्पेल है CROSS क्रॉस देन रेफरेंस क्रॉस रेफरेंस कर क्रॉस रेफरेंस बेसिकली क्या होता है क्रॉस रेफरेंस जैसे पहले भी ऑप्शन आपको हमने बताया था हाइपरलिंक के अंदर ऑप्शन आता था क्रॉस रेफरेंस ठीक है वही सेम ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है 13 एमएस वर्ड 13 में 15 में इन सब में दिया हुआ है ऑप्शन। बेसिकली इसमें इसका इस्तेमाल क्या किस लिए करते हैं इसका भी इस्तेमाल जैसे आप कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जैसे पेज नंबर 1 पे आप कुछ लिख रखा है उसको आप इंडिकेट करना चाहते हैं कि सी द इंफॉर्मेशन पेज नंबर 5 यानी कि इसके बारे में और जो है जो मैटर्स या जो कंटेंट हमने लिखा है वो पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे है तो वहाँ पे बेसिकली एक लिंक क्रिएट हो जाता है कि उस पर सी द इंफॉर्मेशन ऑफ पेज नंबर 13 या 11 कुछ भी हो उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमारा डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा पेज नंबर 13 पे चला जाता है। इस चीज़ को हमारा अगर हम क्रिएट करना चाहेंगे तो वो हम ऑप्शंस कहाँ से बना सकते हैं यूजिंग क्रॉस रेफरेंस के थ्रू डिस्प्ले द क्रॉस रेफरेंस display the cross reference dialog box allowing you to insert cross referencing into your document for example
टर्न टू केस थ्री, टर्न टू पेज नंबर थ्री, और प्लीज रिफर टू पेज 12। क्रॉस रेफरेंस आर रेफरेंस आर इंसर्टेड inserted as hyperlinks. इस स्टेप को फॉलो करना होगा, इसके लिए हम गो टू रेफरेंस टैब, देन क्लिक ऑन कैप्शन, एंड देन क्लिक ऑन क्रॉस रेफरेंस, ये इंफॉर्मेशन। कैप्शन के बाद नेक्स्ट हमारा ग्रुप्स आता है, उसको हम कह रहे हैं इंडेक्स, इंडेक्स एंट्री बोलते हैं बेसिकली। इंडेक्स का काम क्या होता है? INDX। इंडेक्स का काम क्या होता है कि जैसे बेसिकली इंडेक्स की भी एंट्री आपने देखा होगा बुक्स में दिया होता है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि बुक्स के जैसे आपके लास्ट में होता है, पेजेस के लास्ट में एंट्री होता है। किस तरह से शो करता है? तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर आपका शो करता है। इससे पहले हम आपको इंडेक्स के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे हमारा ये डॉक्यूमेंटेशन का एक पेज है, अब इस पेजेस पे जैसे हमने कोई पैराग्राफ लिख रखा है, पेज नंबर वन, बहुत सारे मल्टीपल पैराग्राफ है। अब जैसे यहाँ पे कोई एक वर्ड आया, एम्बिशन, जैसे एक वर्ड आ गया यहाँ पे कहीं पे एम्बिशन, यहाँ पे कोई वर्ड आ गया साइटेशन, ठीक है, आगे कोई एक और वर्ड आ गया एनिमल। तो पेज नंबर वन पे हमारे कोई तीन स्पेसिफिक वर्ड है, एम्बिशन है, साइटेशन है और एनिमल है। इस चीज को लास्ट पेज पे आप इंसर्ट कैसे करता है, ये हमारा क्रिएट हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स में ऊपर में आपकी हेडिंग शो करेंगे, जैसे ए वाले वर्ड, तो ए से कौन सा वर्ड है? तो ए से हमारा दो वर्ड है इस पेज पे, एम्बिशन है। किस पेज नंबर पे है? तो पेज नंबर वन पे। दूसरा एक और वर्ड है एनिमल, ए से किस पेज पे है? तो पेज नंबर वन पे। ये भी ये ए वाले वर्ड बता दिया। अब जैसे सी वाले वर्ड बताए, बी वाले यहाँ पे कोई भी वर्ड नहीं है, तो बी ब्लैंक है। नेक्स्ट हमारा इसके बाद फिर क्या क्रिएट करेगा? सी से करेगा। तो सी से वर्ड है हमारा साइटेशन। तो दोस वर्ड आर ऑल्सो स्टोर इन पेज नंबर वन। तो बेसिकली इसी चीज को हम क्या करते हैं? इंडेक्स बोलते हैं। ये बुक्स के कोई किसी भी बुक्स आप उठा के देखेंगे, उसके अंदर जो होता है इस तरह से चीजें क्रिएट होता है। और ये चीजें कहाँ पे मिलेगा? एंड ऑफ बुक्स में आप देखेंगे इंडेक्स एंट्री बना होता है, जो हेल्पफुल करता है आपके इंफॉर्मेशन को। जैसे कोई वर्ड आया उसको स्टोर, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स को स्टोर करके रखते हैं।
एक्सप्लेन करते हैं इंडेक्स के बारे में, ये इंडेक्स कैसे क्रिएट करें। इंडेक्स के अंदर तीन इंफॉर्मेशन आता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमारा होगा मार्क एंट्री करना। जिस वर्ड को आपको इंडेक्स बनाना है उसको सबसे पहले मार्क करना होता है, उस वर्ड उस ऑप्शन को हम कहते हैं मार्क एंट्री। मार्क एंट्री करने की शॉर्टकट की भी होता है, जिसके लिए हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एक्स, ये हमारा मार्क एंट्री करने की शॉर्टकट की है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एक्स। एड्स तक करेंटली करेंटली सिलेक्टेड टेक्स्ट सो इट विल अपीयर इन द table of authority, जिस वर्ड को हमें सेलेक्ट करके उसको मार्क्स के अंदर उसको इंडेक्स के अंदर हमें देखना चाहते हैं उसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ता है। उसको ऑप्शंस को फॉलो करने के तरीका है गो टू डिफरेंस टैब, देन फर्दर ऑप्शन क्लिक करेंगे हम, ग्रुप्स का नाम होगा इंडेक्स, देन क्लिक ऑन मार्क एंट्री। टेक्स्ट इंफॉर्मेशन आया है इसके बाद का कमांड हमारा है, जिस वर्ड को आपने मार्क कर लिया उसको आप चाहते हो कि अपने एंड ऑफ पेज पे इंसर्ट करें, उसके लिए ऑप्शन होगा इंसर्ट इंसर्ट इंडेक्स। Add an index listing keywords keywords and page numbers they appears on के साथ साथ क्या होगा, इंसर्ट अगर इंडेक्स कर देंगे तो आपके वर्ड शो करेगा जो वर्ड आपने मार्क किया था, और उसके साथ ही साथ क्या होंगे पेज नंबर भी आपका आता रहेगा। ठीक है, इंसर्ट एंड पेज नंबर्स, यहाँ पे पेज ऐड कर लीजिए एंड पेज नंबर्स दे अपीयर्स ऑन। इसके लिए स्टेप फॉलो करेंगे गो टू रेफरेंस टैब,
देन क्लिक ऑन इंडेक्स एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट इंडेक्स. इंसर्ट इंडेक्स के बाद नेक्स्ट हमारा इंफॉर्मेशन होता है, तीसरा ऑप्शन होता है इसके अंदर अपडेट इंडेक्स, तीसरा इंफॉर्मेशन होगा अपडेट. अपडेट का मतलब वही होता है कोई पेज पे आपने कोई वर्ड आपका डिलीट हो गया उसको पेज नंबर को लिस्टिंग को अपडेट कर दे उसके लिए क्या होता है अपडेट इंडेक्स बोलते हैं. जब कोई गलत हमारी एंट्री हो रखी है उसको भी यहाँ से सही करता है बोलते. अपडेट द इंडेक्स टेबल, स्टेप फॉलो करने के स्टेप होंगी गो टू इंसर्ट सॉरी रेफरेंस टैब इंडेक्स देन इंडेक्स अपडेट इंडेक्स.